पास जाता तू? अरे मैं इनको कंफ्यूज करने के लिए मरने की एक्टिंग कर रहा था। ओके देख कैसे मर रहे हैं तेरी एक्टिंग देख के। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की एक्शन पैक्ड फिल्म बड़े मियां छोटे मियां को सिनेमाघरों में आज हो चुके हैं 3 दिन और फिल्म ने 3 दिनों के अंदर दुनिया भर से कर ली है शानदार कमाई। लेकिन इसी के साथ रिलीज हुई मास महाराजा अजय देवगन की मैदान फिल्म के जो 3 दिनों के कलेक्शन है वो पूरी तरह से शॉकिंग है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे बड़े मियां छोटे मियां और मैदान के 3 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इन दोनों ही फिल्मों ने दुनिया भर से कितने कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि बड़े मियां छोटे मियां और मैदान में आपको कौन सी फिल्म बेस्ट लगी। सबसे पहले अगर बात करें सुपरस्टार अजय देवगन की स्पोर्ट ड्रामा फिल्म मैदान के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है अमित शर्मा ने और इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा हमें देखने को मिल रही है प्रिया मणि और गजराज राव। बताना चाहूंगा दोस्तों यहां पर मैदान 2024 में जितनी भी फिल्में अब तक रिलीज हुई है उन फिल्मों से काफी ज्यादा हटकर है और जब यह फिल्म सिनेमाघरों में लगी और जब इस फिल्म को पब्लिक ने देखा तो पब्लिक को भी यह फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई और इस फिल्म के जितने भी रिव्यूज है वो फिर चाहे पब्लिक के हो या क्रिटिक्स के हो पूरी तरह से पॉजिटिव है। तो अब दोस्तों एक बढ़िया फिल्म होने की वजह से क्या लगा था कि फिल्म पब्लिक को पसंद आ चुकी है तो अब तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ देगी और शायद अजय देवगन के करियर की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बनेगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर मैदान एक शानदार फिल्म है, उसके बावजूद भी इस फिल्म के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो पूरी तरह से निराश करने वाले रहे। जी हाँ दोस्तों, ईद जैसे एक बड़े त्यौहार पर रिलीज होने के बावजूद भी अजय देवगन की मैदान फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी ज्यादा कमाई नहीं कर पाई जितनी कमाई यह फिल्म डिजर्व करती है। सबसे पहले दोस्तों अगर यहां पर बात कर ली जाए फिल्म के बजट के बारे में तो दोस्तों आपको बता दें कि अजय देवगन की फिल्म मैदान का टोटल बजट 150 करोड़ रुपए है। लेकिन दोस्तों एक और बात बता दूं कि जितना फिल्म का बजट है ना 150 करोड़ रुपए, तो यह फिल्म रिलीज होने के पहले ही इस फिल्म के मेकर्स 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी तो ऑलरेडी कर चुके थे। जी हां दोस्तों, यहां पर फिल्म के जो डिजिटल राइट्स है यानी कि OTT के राइट्स वो 65 करोड़ में बिके हैं, वही फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स यानी कि टीवी पे दिखाने के राइट्स है वो 37 करोड़ में बिके हैं और फिल्म के म्यूजिक राइट्स भी 16 करोड़ में बिक चुके थे। यानी कि दोस्तों फिल्म के मेकर्स फिल्म को रिलीज करने से पहले डिजिटल, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट बेचकर 118 करोड़ रुपए की रिकवरी ऑलरेडी कर चुके थे। लेकिन दोस्तों इस वक्त अगर बात करें मैदान के अब तक के यानी कि 3 दिनों के वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर मैदान फिल्म का जो फर्स्ट डे इंडिया नेट कलेक्शन है इंक्लूडिंग पेड प्रीव्यू शो वो रहा 7,25,00,000 रुपए का, जो कि उम्मीद से काफी कम रहा था। लेकिन दोस्तों लग रहा था कि फिल्म के कलेक्शन में दूसरे दिन एक अच्छा होल्ड रहेगा और मुझे भी सेकंड डे के कलेक्शन ऐसे लग रहे थे कि फिल्म सेकंड डे भी बॉक्स ऑफिस पर एक डिसेंट कमाई कर जाएगी। लेकिन फिल्म ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर जो ड्रॉप दिखाया वो पूरी तरह से टेंशन देने वाला रहा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म के जो सेकंड डे के इंडिया नेट कलेक्शन है वो सिर्फ 3,37,00,000 रुपए के रहे, जो कि हम सबकी उम्मीदों से काफी कम है। हालांकि दोस्तों आज है सैटरडे जिसके चलते फिल्म की ऑक्यूपेंसी में आज के दिन एक हल्की सी ग्रोथ आ चुकी है, पर दोस्तों यहां पर जो फिल्म को पहले दिन कलेक्शन मिला था और जो पहले दिन की ऑक्यूपेंसी थी ना वैसी ऑक्यूपेंसी आज नहीं है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक मैदान फिल्म अपने तीसरे दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 4,80,00,000 रुपए का कर रही है। इसी के साथ दोस्तों सुपरस्टार अजय देवगन की मैदान का शुरुआती 3 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 15,42,00,000 रुपए का हो रहा है, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 18,34,00,000 रुपए, तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 25,34,00,000 रुपए। अब देखते हैं दोस्तों कल है संडे तो कल इस फिल्म के कलेक्शन में कितनी ग्रोथ आती है। हालांकि दोस्तों प्रे करते हैं कि कल इस फिल्म के कलेक्शन पहले दिन से और तीसरे दिन से बेहतर रहे, क्योंकि फिल्म का बजट जहां 150 करोड़ रुपए है तो फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए अभी तो और भी कई ज्यादा कमाई करना होगी। तो दोस्तों देखते हैं कि अब अजय देवगन इस साल जिस तरह एक शैतान सुपरहिट फिल्म दे चुके हैं उसी तरह मैदान भी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाती है या नहीं। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें इस साल के सबसे बड़ी एक्शन पैक्ड फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के बारे में, अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनी बड़े मियां छोटे मियां जिस फिल्म में सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी सिनेमाघरों में पूरी तरह से धूम मचा रही है। अब इस फिल्म में विलन के रोल में हमें देखने को मिल रहे हैं मलयालम सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन, वही इस फिल्म में हमें तीन खूबसूरत हीरोइन नजर आई है सोनाक्षी सिन्हा, मानुषी चिल्लार, आलाया एफ। अब दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां को जब
11 अप्रैल को रिलीज किया गया था, तो इस फिल्म के भी जो पब्लिक रिव्यूज है वो काफी बढ़िया निकल कर आए थे, लेकिन कुछ बिकाऊ क्रिटिक्स ने फिल्म की जानबूझकर बुराई की, जिसके चलते इस फिल्म के कलेक्शन में भी एक बड़ा डेंट देखने को मिला। लेकिन दोस्तों यहां पर बड़े मियां छोटे मियां के कलेक्शन को अगर अजय देवगन के मैदान से कंपेयर किया जाए तो यहां पर बड़े मियां छोटे मियां का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ना, वो अजय देवगन के मैदान से लगभग दुगना हो चुका है। जी हां दोस्तों, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल संडे है, तो पूरी उम्मीदें हैं कि यहां पर बड़े मियां छोटे मियां अपने चौथे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर एक दमदार कमाई करेगी। लेकिन दोस्तों यहां पर टेंशन वाली बात यह है कि बड़े मियां छोटे मियां के कलेक्शन पहले दिन जबरदस्त रहे, दूसरे दिन के कलेक्शन में भारी गिरावट आई और तीसरे दिन फिल्म को जो ग्रोथ आना थी सैटरडे की वजह से वो उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली। लेकिन दोस्तों फिर भी फिल्म अच्छी है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अभी एक दो हफ्तों तक बॉलीवुड की कोई नई फिल्म रिलीज नहीं होगी, सही मायने में कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं होगी, तो शायद ये फिल्म आने वाले समय में कम से कम 2-3 हफ्ते तक सिनेमाघरों में चलेगी और एक अच्छी खासी कमाई कर जाएगी। लेकिन इस वक्त अगर बड़े मियां छोटे मियां के कलेक्शन की बात करें तो उससे पहले मैं आपको इस फिल्म का भी बजट और रिकवरी बता देता हूं। तो दोस्तों आपको बता दें कि सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का टोटल बजट 300 करोड़ रुपए का है। जी हां दोस्तों, ये फिल्म 300 करोड़ के बजट में बनके तैयार हुई थी, लेकिन इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने भी इस फिल्म को रिलीज करने से पहले 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी ऑलरेडी कर ली थी। यहां पर दोस्तों बड़े मियां छोटे मियां के जो डिजिटल राइट्स थे यानी कि ओटीटी के राइट्स, वो 115 करोड़ में बिके थे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा यानी कि पांचों भाषाओं के। वही इस फिल्म के पांचों भाषाओं के सैटेलाइट राइट्स 72 करोड़ रुपए में बिक चुके थे और फिल्म के जो म्यूजिक राइट्स थे वो बिके थे 26 करोड़ में। यानी कि दोस्तों इस फिल्म के मेकर्स ने डिजिटल, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट बेचकर जो टोटल रिकवरी करी थी वो थी 213 करोड़ रुपए। तो फिल्म का बजट है 300 करोड़ रुपए और फिल्म को रिलीज करने से पहले ही प्रोड्यूसर 213 करोड़ रुपए ऑलरेडी अपने जेब में कर चुके थे। लेकिन अब बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों बड़े मियां छोटे मियां फिल्म ने शुरुआती 2 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 48 करोड़ 13 लाख रुपए का किया था, जो कि एक तरह से काफी बढ़िया कमाई थी। वही दोस्तों बात करें इस फिल्म के आज यानी कि तीसरे दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आज तीसरे दिन सैटरडे है यानी कि हाफ हॉलीडे, जिसके चलते इस फिल्म की जो आज की ऑक्यूपेंसी है वो मॉर्निंग वाले शोज में कल से काफी ज्यादा बेहतर है। वही आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज की बुकिंग भी दूसरे दिन के मुकाबले तीसरे दिन काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक बड़े मियां छोटे मियां फिल्म अपने तीसरे दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 8 करोड़ 90 लाख रुपए का। वही तीसरे दिन का जो इंडिया ग्रोस कलेक्शन है हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा पांचों भाषाओं का, वो 10 करोड़ 50 लाख रुपए का हो रहा है। वही दोस्तों ये फिल्म अपने तीसरे दिन जो ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से कमाई कर रही है वो हो रही है लगभग 3 करोड़ 80 लाख रुपए की। इसी के साथ दोस्तों बड़े मियां छोटे मियां फिल्म का जो तीसरे दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 14 करोड़ 30 लाख रुपए के रेंज में हो रहा है। तो दोस्तों जहां 2 दिनों में फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 48 करोड़ 13 लाख रुपए का हुआ था, वही तीसरे दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 14 करोड़ 30 लाख रुपए, यानी कि दोस्तों 3 दिनों में फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है दुनिया भर से वो 62 करोड़ 43 लाख रुपए का हो चुका है। जी हां दोस्तों, फिल्म 3 दिनों में दुनिया भर से 62 करोड़ 43 लाख रुपए की शानदार कमाई कर चुकी है। और अब दोस्तों आप सबको पता है कि कल है संडे यानी कि होलीडे, तो इतना कंफर्म है कि फिल्म के जो कल के कलेक्शन है वो आज से भी काफी ज्यादा बेहतर रहेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर देखना यह है कि मंडे के बाद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि दोस्तों मंडे के बाद फिल्म के कलेक्शन कितने नीचे जाते हैं उससे ही डिसाइड होगा कि फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो कहां तक का रहेगा। वैसे दोस्तों आपने अगर इस हफ्ते रिलीज हुई बड़े मियां छोटे मियां और मैदान दोनों ही फिल्में देखी, तो इसमें से आपको सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।